नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का 2018 का जो रिजल्ट आने की जो अपडेट चल रही है कि कब कुछ उसका रिजल्ट आएगा। आज स्टूडेंट्स के, करोड़ों स्टूडेंट्स के तीन ही सवाल हैं कि क्या सर आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा तो कितने बजे तक आएगा, या फिर आज रिजल्ट नहीं आएगा तो कब आएगा, और इसकी मतलब कट ऑफ कब कितनी रहने वाली है सर, वो सारा उसके बारे में आज ये तीन ही सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहे हैं। तो इन तीनों सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो आप एंड तक इसको देखते रहिए। तो स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अप टू डेट रहिए रेलवे से रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट की अपडेट होगी, सब कुछ भी, कोई भी नई न्यू इन्फॉर्मेशन होती है तो सारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए। तो स्टार्ट करें, तो आज आप सब पूछ रहे हैं कि सर आज रिजल्ट आएगा क्या, तो आज रिजल्ट आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे, पहले थे, मींस मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स ने कहा था कि 13 फेब, और रेलवे ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 13 फरवरी को। बट अभी इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उसके रिपोर्टर ने पूछा रेलवे ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो इस खबर को मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या कुछ है, कि कौन से अधिकारी से पूछा वो भी बता देता हूँ मैं। द रिजल्ट ऑफ द RRB ग्रुप डी विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 17 फेब, और ये सेकेंड एग्जाम PET होगा, यही बोल रहा है। तो नीचे देखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अंगराज मोहन जी हैं रेलवे ऑफिशियल, RRB ऑफिशियल अंगराज मोहन जी, उन्होंने बताया है इंडियन एक्सप्रेस को कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 17 फरवरी, मतलब रिजल्ट 13 फरवरी को आने के चांसेस नहीं है अब, क्योंकि 17 फरवरी उन्होंने खुद बोल दिया है। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 17 फरवरी को ही रिजल्ट आएगा। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द बोर्ड इज टेकिंग टाइम एंड प्रिकॉशन टू रिलीज द एरर फ्री रिजल्ट। द रिजल्ट ऑफ RRB विल बी डिक्लेयर्ड ऑन संडे, मतलब 17 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि करोड़ों स्टूडेंट्स, मतलब ये अंगराज मोहन जी कह रहे हैं कि बहुत सारे करोड़ों, मतलब 1 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो उनका रिजल्ट अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और उसमें बहुत सारी कुछ गलतियां नहीं रह जाए, तो हम एरर फ्री रिजल्ट अपलोड करना चाहते हैं जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और सर्वर का कोई इशू नहीं आए, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और तो उसी में कह रहे हैं कि हम सब कुछ परफेक्टली करके फिर उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी है 17 फरवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये तो इन्होंने ऑफिशियल डेट दी है, तो आपका रिजल्ट इससे एक्सपेक्टेड कीजिए कि 2-3 दिन पहले ही आ जाएगा, मतलब आज 13 है तो ये 17 है, तो जैसे एक आप ALP का आपको याद हो, जो ऑफिशियल डेट थी उससे 2 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था, तो उसी तरह से इसके 17 फरवरी डेट दे रखी है, तो ये 15 फरवरी के आसपास ही आपका इसका रिजल्ट आने के फुल चांसेस हैं। तो रही बात आज रिजल्ट डिक्लेयर होने की, तो उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर आपको फिर भी मतलब थोड़ा है कि अगर आज रिजल्ट आ सकता है, अगर मान लो कुछ 0 पॉइंट कुछ चांसेस हैं, तो वो आएगा आपका 5 बजे के बाद में, 5 से 8 बजे के बीच में रिजल्ट आ सकता है उसका, तो आप उसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रिजल्ट आता है तो, उस केस में हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे, वरना आपके चांसेस है, जैसे 17 फरवरी बुलाए तो 15 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली अब है 2nd week of Feb, हमेशा रेलवे ऑफिशियल्स बोले जा रहे थे कि 2nd week of Feb में रिजल्ट आएगा, वो 10 तारीख से 16 मतलब तारीख तक था, अब उन्होंने कहा है कि 17 फरवरी बोल रहे हैं, बट 2 दिन पहले, तो ये दो उन्होंने 2nd week भी बोला था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपके 15 फेब को रिजल्ट आने के, क्योंकि ALP में भी जस्ट 2 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था। उसी तरह से हो सकता है ग्रुप डी में भी एकदम से रिजल्ट निकाल दे, ताकि बच्चों को धीरे धीरे पता चले और उस पर सर्वर पे थोड़ा लोड भी कम आए और बच्चे उसको आराम से देख पाए, उसकी साइट भी क्रैश नहीं हो। और इसी चीज़ को एक मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपनी, मतलब इस बार रिजल्ट हर रीजनल वेबसाइट्स पे इस बार डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे गुवाहाटी की वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने गुवाहाटी से अप्लाई किया है वो इसी वेबसाइट पे चेक करना है आपको, और जिसने जम्मू से किया है वो जम्मू वाली वेबसाइट पे चेक करेंगे, कोलकाता वाले कोलकाता से, मालदा वाले उसकी वेबसाइट से, यू सारी वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, ये मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप जब भी रिजल्ट आए तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके चेक करना है, और किसी वेबसाइट पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये ऑथेंटिक रेलवे की वेबसाइट है, और वेबसाइट्स हैं बट उस पर फिर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको इसी वेबसाइट्स पे चेक करना है। और ये अहमदाबाद तक, और आगे बताता हूँ, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, ये सारी वेबसाइट जिन जिन रीजन से आपने अप्लाई किया है वो सारी वेबसाइट ये हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अप टू डेट रहिए रिजल्ट के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।